यीशु मसीह अपने लोगों की संगति पसंद करता है। मत्ती 18:20 कहता है, क्योंकि जहां मेरे नाम से दो या तीन लोग इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूं। इस वचन का संदर्भ अधिकार दिखाता है। जब हम इकट्ठा होते हैं कि हम परमेश्वर के साक्ष्य हैं, यह जानते हुए कि वह क्या कर सकता है, साथ ही वह एक साफ दृष्टिकोण ले आता है कि कलीसिया में किसी भी प्रकार से पाप को जगह ना दे, पर जरिया बने स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने का। यीशु मसीह के सेविकाए के जीवन काल में हम उन्हें लोगों से घिरा हुआ पाते हैं, चाहे वह शिष्यों के साथ हो, भीड़ के साथ, बैरियों के साथ या अनजान लोगों के साथ। वह सिखाने में, प्रोत्साहन देने में और साथ ही वह सबको परमेश्वर का प्रेम दिखाता था। आज उसका प्रेम दिखाई देता है जब उसकी कलीसिया इकट्ठा होती है और वह सब करती है जो यीशु मसीह चाहता है, जैसे आराधना करना, वचन का प्रचार करना, रोगों को चंगाई देना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, साथ ही वे भी सेवा जो गरीब और जरूरतमंदों में या बच्चों और युवाओं में होती है। एक खास बात जानी जा सकती है कि यीशु मसीह का दिल दो चीजों से धड़कता है, पहला खोए हुए को बचाना और दूसरा कलीसिया को बनाना। आज यीशु मसीह राज्य करता है और चाहता है कि वह अपनी कलीसिया के साथ स्वयं रहे। जब हम उसके नाम से एकत्र होते हैं, वह पूरी तरह से शामिल होता है पवित्र आत्मा के साथ और सबके साथ आने की बांट जोता है। जिस प्रकार इब्रानियों 2 में बताया है कि यीशु मसीह पसंद करता है उसके लोगों के साथ संगति करने के लिए, और वचन 10 से 13 में उसे यह भी पसंद है कि हमारे साथ परमेश्वर पिता की स्तुति करे, और वचन बताता है कि जब हम साथ में आते हैं तो वह हमें अपने पिता के विषय में नया प्रकाशन देता है। इसलिए यीशु मसीह इच्छा करता है कि वह हमारा चेहरा अपने दूसरे भाई बहनों के साथ देखे जो मसीह में है और परमेश्वर पिता की आराधना करे। इस कारण हर प्रकार से यत्न करे कि आप अपनी कलीसिया की हर सभा में उपस्थित हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे जब भी आप उसके साथ पाए जाओ। आमेन।